नमस्ते बुरहानपुर, एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फलार्ट एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। मतलब इसके बुरहानपुर में संस्कार मैरिज गार्डन है, यहाँ पे भागवत कथा शुरू होने वाली है, श्रीमद भागवत कथा शुरू होने वाली है। ये 17 मई से लेकर 23 मई तक रहेगी। इसका मुख्य आकर्षण है कि जो शोभा यात्रा निकलेगी वो काफी आकर्षक होगी। यहाँ पे 208 कलश रहेंगे, महिलाएं रहेंगी अपने सर पे कलश लेके, इसी के साथ 51 बच्चियां भी रहेंगी, बालिका भी रहेंगी, वो भी विशेष परिधान में रहेंगी। और यहाँ पे भगवताचार्य हरिकृष्ण मुखिया जी भागवत का यहाँ वाचन करेंगे और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पे भाजपा के पूर्व नेता रमेश पाटीदार, राजू जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि क्या आकर्षण होगा, क्या मुख्य बिंदु होंगे और किस तरीके से यहाँ पे कथा का श्रवण कर सकेंगे। ये लाइव प्रसारण भी रहेगा रॉयल डिजिटल पे, आप लगातार इस कथा को घर बैठ के भी दे सकते हैं और यहाँ आकर भी श्रवण कर सकते हैं। बहरहाल क्या कहा रमेश पाटीदार ने वो खुद सुनिए। आप हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। 17 मई को सुबह 8 बजे लालबाग हनुमान मंदिर से कलश यात्रा आरंभ होकर संस्कार मैरिज गार्डन समापन होगा और 17 तारीख से कथा का श्रवण होकर 23 तारीख तक कंटिन्यू कथा चलेगी। 24 तारीख को महाप्रसादी का आयोजन है, दिन भर महाप्रसादी का आयोजन रहेगा। ये कथा श्री हरिकृष्ण मुखिया जी के मुख्य बिंदु से श्रवण करने सभी भक्तजनों से निवेदन है। समय जो है इसमें 2:30 बजे से 5:30। संगीतमय कथा होगी, कुछ संगीतमय कथा होगी, इसमें झाकी को आयोजन है, भागवत कथा संगीतमय होगी और शोभा यात्रा में झाकी है जिसमें शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और श्री राधा कृष्ण, इन सबकी झाकियां। ये घोड़े बग्गी भी रहेंगे? हाँ, घोड़े बग्गी ऊट रहेंगे, ऊट भी ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। मुखिया जी की कौन सी कथा है? ये 298वीं कथा है उनकी और मुखिया जी हमारे देश भर में कथाएं करते हैं और काफी प्रख्यात है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कथाविद हमारे शहर में हैं जिनकी पूरे देश में ख्याति है। भक्तों के लिए यहाँ पर अच्छा पंडाल बना है जिसमें कूलर और पानी के फुहारे की व्यवस्था है, गर्मी को देखकर जल की व्यवस्था है, प्रसाद वितरण रहेगा, काफी सुसज्जित और अच्छी व्यवस्था करने की हमने पूरा प्रयास किया है और जो भी आवश्यकता होगी वैसी व्यवस्था की जाएगी। जिले के भक्तों से क्या आह्वान करोगे? सभी जिले के भक्तों से मेरा निवेदन है कि सभी आकर यहाँ पर कथा का श्रवण करें, सपरिवार आए और हमारे पाटीदार फैमिली को अनुग्रहित करें, यही मेरा उनसे निवेदन है। कथा हो रही है संस्कार मैरिज गार्डन, स्टेशन रोड, बुरहानपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।